हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्टोरियल एमबीएस के बारे में। ये सेक्टोरियल एमबीएस होता क्या है, इसकी क्या वैल्यू है। ओके, सेक्टोरियल एमबीएस आपने बहुत नाम सुना होगा, एमबीए इन नो रिटेल मैनेजमेंट, एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट। ओके, इस तरीके के काफी सारे कोर्सेज है। एनालिटिक्स आजकल बहुत हिट हो रहा है, तो इस तरीके के बहुत सारे नए कोर्सेज भी एमबीए में स्टार्ट हुए हैं और बहुत सारे टॉप कॉलेजेस राइट फ्रॉम आईआईएम्स ओके टू मेनी अदर टॉप कॉलेजेस जो इसको ऑफर कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स की जहां तक बात आती है, स्टूडेंट्स वुड ऑलवेज वांट टू गो फॉर द कोर एमबीए, यानी कि जो मेन एमबीए प्रोग्राम होता है उसके लिए जाना चाहते हैं, जिसका ऑब्वियसली कट ऑफ भी काफी ज्यादा होता है। ओके, लेकिन सेक्टोरियल एमबीए आपको करना चाहिए। जैसे कि यू नो बहुत सारे आईएम्स में मैंने कहा कि एनालिटिक्स का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो क्या आपको एनालिटिक्स प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, क्या उसकी वैल्यू है, नो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा उसका, ये सारी चीजें आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो डिटेल वीडियो होगा क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ने स्टार्ट किया, हम लोग कॉलेज वाइज भी इसकी लिस्ट देखेंगे आज के वीडियो में। ओके, सो मेक श्योर दैट यू आर स्टे ट्यून टू द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ बिफोर आई गो अहेड, ओके, इन केस यू आर लुकिंग टू प्रिपेयर फॉर नो एनी ऑफ दिस एग्जाम्स लाइक कैट, सीईटी, ओके, तो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से, जहां पे हम बेसिक्स, एडवांस, टेस्ट सीरीज, जीडीपीआई सब कुछ कवर करते हैं। यू कैन रजिस्टर फॉर अ फ्री डेमो क्लास आल्सो, ओके, लिंक इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से जाके अपने स्लॉट बुकिंग डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। ओके, नाउ गोइंग अहेड, ओके गोइंग अहेड, दिस इज द स्टडी मटेरियल। टोटल 12 डिफरेंट स्टडी मटेरियल है जो आपको मिलने वाला है। अगर आप इसको विंडो को पॉज करके ना वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो कि कौन कौन से लिस्ट है। ओके, राइट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट थियोरी टू द एडवांस मटेरियल, प्रीवियस ईयर कैट के क्वेश्चन, सब कुछ इसके अंदर अपडेटेड है। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ओके, ऑफ सेक्टोरियल एमबीएस। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले लिस्ट दिया है कि सेक्टोरियल एमबीएस में कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं। ओके, सेक्टोरियल एमबीएस में अलग से भी कुछ एमबीए होते हैं जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन में होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में होते हैं। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज मत होना कि स्पेशलाइजेशन और सेक्टोरियल एमबीए सेम चीज नहीं होती है। यानी कि क्या है कि अगर आपने एमबीए इन एचआर किया, जैसे आई एम रांची ऑफर करता है ये चीज एमबीए इन एचआर, इसका मतलब कि आप पूरा जो 2 साल है ना, आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो एचआर के तरफ ही होंगे। अगर आप कोर प्रोग्राम करते हो, यानी कि आप नॉर्मल एमबीए का जो प्रोग्राम है वो करते हो, और आप सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन लेते हो एचआर की, इसमें आप एचआर का सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में ही ज्यादा पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। इसको हम कहते हैं सेक्टोरियल एमबीए। सेक्टोरियल एमबीए उस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर ही ज्यादातर आपको पढ़ाया जाएगा, होगा मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, एचआर, यही सारी चीजें होंगी। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स के पर्सपेक्टिव से क्या मार्केटिंग करनी चाहिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के हिसाब से क्या मार्केटिंग करनी चाहिए, ये सब आएगा। तो यहाँ पे ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर जो मुझे आजकल दिख रहा है एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ओके, ये काफी पॉपुलर दिख रहा है। ओके, जो कि काफी आईएम्स में, काफी सारे टॉप कॉलेजेस ने इसको किया है, और रूरल मैनेजमेंट है, रिटेल मैनेजमेंट है, ये भी सारे कोर्सेज हैं जो काफी कॉमनली आजकल दिखाई दे रहे हैं। तो हम सारे कॉलेज, सारे एग्जाम, सारे प्रोग्राम्स के बारे में आज के सेशन में देखेंगे, आज की वीडियो में देखेंगे कि कौन से कॉलेजेस क्या ऑफर कर रहे हैं। नाउ लिस्ट ऑफ आईएम्स ऑफरिंग सेक्टोरियल एमबीए प्रोग्राम। सबसे पहले तो आईएम्स की लिस्ट देख दो, इसका मतलब आपको दिख रहा है अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, टॉप 3 आईएम्स पहले से सेक्टोरियल एमबीएस में पहुंच चुके हैं। ओके, दैट मीन्स सेक्टोरियल एमबीए कोई ऐसी चीज नहीं है कि खाली टीयर 2 कॉलेजेस या टीयर 3 कॉलेजेस दे रहे हैं, टीयर 1 कॉलेज जो कि रैंक 1, 2, 3 कॉलेजेस हैं वो भी दे रहे हैं। ओके, आई एम अहमदाबाद फूड एंड एग्री बिजनेस दे रहा है, आई एम बैंगलोर एनालिटिक्स दे रहा है, पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट का भी उन्होंने एक एमबीए स्टार्ट किया है। ओके, आई एम कलकत्ता भी बिजनेस एनालिटिक्स दे रहा है। सो बिजनेस एनालिटिक्स इज डेफिनेटली द नेक्स्ट थिंग, ओके, जो कि एक कहा जा रहा है कि अगला जो एक बूम होगा वो बिजनेस एनालिटिक्स का होगा। सो आपको जहां पे आर, पाइथन, इस तरीके की चीजें पढ़ाई जाएंगी, ये सारे के सारे, ओके, आप देख सकते हो, ओके, कि आई एम काशीपुर भी ऑफर कर रहा है। सो आई एम लखनऊ इज ऑफरिंग हेल्थ केयर, एग्री बिजनेस, सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ओके, आई एम रांची में भी बिजनेस एनालिटिक्स है और एचआर का अलग से प्रोग्राम है। तो ये तो आप देख लो, एक 6-7 आईएम्स हैं जो कि सेक्टोरियल एमबीएस ऑफर कर रहे हैं। ओके, कम्स टू द पॉइंट कि टॉप अदर टॉप कॉलेजेस जो कि एमबीए इन सेक्टोरियल प्रोग्राम्स दे रहे हैं, एनएमआईएमएस मुंबई भी दे रहा है, एससीएमएचआरडी पुणे, यानी कि ये स्नैप के थ्रू है, केजे सोमैया मुंबई में काफी सारे ऑप्शंस हैं, वेलिंकर मुंबई में आपको दिख रहा है काफी सारे ऑप्शंस हैं। ओके, रिटेल है, रूरल है, एग्री, सो यहाँ पे मीडिया दिया है, बिजनेस एनालिटिक्स है, एग्री यहाँ पे नहीं है, ये हेल्थ केयर है। ओके, आई थिंक दिस वुड हैव कम रॉन्गली। ओके, सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इरमा आनंद, ओके, विच इज फेमस फॉर द रूरल मैनेजमेंट प्रोग्राम। ओके, एसआईआईबी के अंदर एग्री
बिजनेस है, तो ये सारे सारे ना बहुत डिटेल में चीजें हैं जो यहाँ पे दी हुई है। इसके साथ साथ आप देखोगे और भी कॉलेजेस हैं, ओके यहाँ पे देखो बिजनेस एनालिटिक्स की एक लंबी लाइन लगी हुई है। अडानी इज अ न्यू कॉलेज ओके विच इज देयर ओके, अडानी ग्रुप का कॉलेज है ये ओके विच इज AIDTM विच इन गुजरात, सो दैट कॉलेज इज ऑल्सो ऑफरिंग ओके बिग डेटा एनालिटिक्स का प्रोग्राम। जैक्सॉम इज ऑफरिंग ओके PGDM एंड डेटा साइंसेज, सो इस तरीके के कोर्सेज भी आ गए हैं आपको दिख रहा है यहाँ पे ओके, दैट बिट्स पिलानी इज ऑल्सो ऑफरिंग। सो इतने सारे चीजें हैं। अब ये तो मैंने आपको लिस्ट दे दिया कि कौन से कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं ओके, अब ये वर्थ इट है नहीं है ओके, इसको अच्छे से समझते हैं और इसको मैं आपको पांच अलग अलग एरिया से बताऊंगा। हम इसको फैकल्टी बेस से कंपेयर करेंगे ओके, स्टूडेंट्स करिकुलम एलुमनाई एंड द प्लेसमेंट पार्ट ऑल्सो। अब मुझे पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स को मैटर करता है वो प्लेसमेंट होता है, और आपको एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि जो प्लेसमेंट्स होते हैं, प्लेसमेंट्स होते हैं जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ से, अगर मैं किसी भी कॉलेज का एग्जांपल लूँ ओके, जैसे कि समझो आप वेलिंगकर अप्लाई करते हो ओके, अब वेलिंगकर में इतने सारे प्रोग्राम है, रूरल रिटेल है, मीडिया है, बिजनेस एनालिटिक्स है ओके, हेल्थ केयर है ओके, ये सब जो प्रोग्राम है, आप इन सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट जो होता है वो एक साथ होता है, कॉमन प्लेसमेंट होता है ओके, यानी कि कोर के बच्चों के साथ भी इनके प्लेसमेंट ज्यादातर कॉमन होते हैं। तो दैट मीन्स जब कंपनी आती है तो ये नहीं कहती कि मुझे सिर्फ रूरल वाले चाहिए या सिर्फ रिटेल वाले चाहिए, कंपनी कहती है कि भाई ठीक है ये मेरा प्रोफाइल है, आप लोग अप्लाई करो, जिसका रेज्यूमे अच्छा होगा उसको मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा, जो इंटरव्यू में अच्छा होगा उसको मैं जॉब दूंगा। दैट मीन्स प्लेसमेंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, प्लेसमेंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आपको वही अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि बाकी स्टूडेंट्स को मिल रही थी, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं है ओके। दैट इज वाई ओके गोइंग फॉर अ सेक्टोरियल एमबीए प्रोग्राम्स इज वर्थ इट डेफिनेटली, बिकॉज आप एक बड़े ब्रांड में जा रहे हो। अगर आप समझो लेट्स से यू आर गोइंग इनटू केजे सोमैया, यू आर गेटिंग इनटू आईएम्स, यू आर गेटिंग इनटू वेलिंगकर फॉर दैट मैटर ओके, सो एक ब्रांडेड है ओके ब्रांड कॉलेज जहां पे आप जा रहे हो, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू ओके। अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे ये कि अगर फैकल्टी की बात करूंगा मैं, तो फैकल्टी वही फैकल्टीज हैं जो नॉर्मल कोर एमबीए वालों को पढ़ा रही है, वही फैकल्टीज आपके साथ भी आने वाली, तो कोई अलग फैकल्टीज नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फैकल्टी सेम है, प्लेसमेंट भी सेम है ओके। एलुमनाई का पॉइंट यहाँ पे मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि जो जॉब ऑफरिंग आती है, जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, ज्यादातर कॉलेज के एलुमनाई लाते हैं, तो जब आपके उसी प्लेसमेंट प्रोसेस से निकल के जो लोग करियर में आगे पहुंचे हैं, तो वो एलुमनाई भी वही देख रहे हैं कि भाई हमारा कॉलेज है ओके, हमको वहां पे जाके अपने स्टूडेंट्स को ऑफर देना है ओके, सो वहां पे भी कोई भेदभाव नहीं होता है। अब यहाँ पे फर्क एक जगह ये है कि भाई करिकुलम का फर्क ये है, बिल्कुल है ओके, और ऐसा नहीं है बिकॉज आपने कोई और सेक्टोरियल एमबीए किया है तो आपके सिलेबस में कुछ ना कुछ फर्क होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है ओके, मैंने आपको क्या बताया है कि कोई भी मैनेजमेंट हो वो आपको मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस ओके और फाइनेंस, अगर आप समझो रिटेल में आप जाके करते हो ओके ये एमबीए अपना, तो मार्केटिंग ओके, एचआर, ऑपरेशंस, फाइनेंस, ये चारों चीज आप पढ़ोगे, लेकिन रिटेल इंडस्ट्री के हिसाब से पढ़ोगे, रूरल इंडस्ट्री के हिसाब से पढ़ोगे, लेकिन प्लेसमेंट यहाँ पे जा रहे हैं। ये मुझे इसीलिए बताया क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट था जो वेलिंगकर से, उसने रूरल मैनेजमेंट किया ओके, एंड शी गॉट 10 लाख पैकेज इन HDFC बैंक। सो HDFC ने मुंबई में ही उसको लोकेशन दी थी, कोई ऐसे रूरल गांव में नहीं भेजा था ओके, लेकिन यहाँ पे उनको ये क्लियर था ओके कि भाई हमें एक अच्छा कैंडिडेट मिल रहा है ओके, उसको बिजनेस की नॉलेज है, तो उन्होंने उसको जॉब ऑफर किया। और ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ओके, यह स्टूडेंट्स जो है ये इंटरव्यू क्लियर करके आ रहे हैं, तो सारे के सारे एक सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करके आ रहे हैं। येस द कोर प्रोग्राम विल बी डेफिनेटली रैंक्ड हायर ओके देन दी अदर, बट इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स ओके डेफिनेटली ओके यू हैव ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ रिटर्न जो कि कोर प्रोग्राम को मिलने वाला है। So now comes the point कि अगर आप रिपीट करना चाहते हो ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू टेक अ रिपीट यू कैन डेफिनेटली गो एंड गिव अनदर शॉट टू कैट और सीमैट और सीईटी, बट अगर आप चाह रहे हो कि आप उसी साल में एमबीए करना चाह रहे हो, सो यू कैन अप्लाई टू दी सेक्टोरियल कॉलेजेस ओके, जैसे मैंने ये लिस्ट बताई है आपको ओके ना, बिट्स पिलानी, अडानी ओके, जैक्सॉम, दीज कॉलेजेस ओके, SIBM में भी कुछ ऑफर्स मिल रहे हैं, सो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर आपको इस साल के लिए ही अप्लाई करना है और अपने एमबीए स्टार्ट करना है, एंड इन केस यू नॉट गेटिंग द कोर प्रोग्राम ओके, सो आफ्टर कोर प्रोग्राम डेफिनेटली दीज आर अ गुड थिंग टू ऑप्ट फॉर। दैट्स ऑल द बेस्ट।